झारखंड सरकार के कृषि मंत्री माधव पत्रलेख जी को लेकर के पांच आदमी का शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपके जो खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव है उनसे मिला और चार महीना का जून तक का जो आपका कमीशन का राशि है वो जिला में आ चुका है। हमने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मिलके सभी एमओ को जो निर्देशित करवा दिया है कि वो जल्द से जल्द पीआईटी जमा करे ताकि आप सबको पैसा मिल सके। आज जो हमारी स्थिति है लगभग औसत 40 क्विंटल खाद्यान्न हम लोगों को मिलता है, सरकार अगर एक रुपया कमीशन देती है तो हमें 4,000 रुपया की आय होती है, जबकि एक दुकान चलाने में मिनिमम 10 से 12 हजार रुपया का खर्चा है, दुकान का भाड़ा भी लगता है, एक आप बोलने वाले को मजबूरी भी देते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक काटा दे दिया गया है, उसके लिए आपको बिजली लेनी पड़ती है, 1,000 रुपया उसका भाड़ा भी लगता है। तो मैं भारत सरकार या झारखंड सरकार, मैं भारत सरकार से इसलिए पूछना चाहता हूँ कि ये जो खाद्य सुरक्षा योजना है भारत सरकार की है, इसे संचालित राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, मैं इतने कम पैसे में अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करूँ? आप विदेश में जो जाकर के ढिंडोरा पीट देते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी योजना भारतीय खाद्य सुरक्षा योजना का संचालन हम करते हैं और 80 करोड़ लाभुकों को खाद्यान्न पहुंचाते हैं। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिसको इस योजना को हम जमीन पर उठाते हैं और 80 करोड़ लाभुक तक खाना पहुंचाते हैं, भोजन पहुंचाते हैं और भूखे मरने से बचाते हैं, उसके लिए आपने क्या किया? आज उसके बाप बच्चे भूखे हैं, स्कूल में फीस जमा नहीं करने से उनका नाम ये सबसे बड़ा कष्ट की बात है। हमारा इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद इतने शिक्षित, इतने मतलब
जो भी डीलर है वो अपने गांव में अपने पंचायत में एक अच्छा मौजूद रखते हैं तभी वो उस पद पर है। और इतना मौजूद होने के बाद भी हमारी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। प्रदेश स्तर पर जो मार्गदर्शन मिलता है उससे बहुत मन खुश होता है कि प्रदेश के नेतृत्व को बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रखंड में आते हैं तो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं क्योंकि प्रखंड के कर्मी लोग प्रखंड के साथी लोग किसी भी स्तर का कोई सहयोग नहीं कर पा। जो बात अभी मेरे बारे में आया कि सभी लोग जानते हैं कि कोविड काल में पदाधिकारी विशेष रूप से निरीक्षण करके अनाज वितरण करा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मेरे पंचायत कार्यालय में डीसी साहब 2 बार गए, एसडीओ साहब 3 बार गए और वीडियो साहब तो अनगिनत बार गए, उसकी गिनती नहीं कर सकते क्योंकि प्रखंड में पहला क्वारंटीन सेंटर मेरे ही पंचायत भवन में बना था। उस समय में वहां पर मुखिया के पद पर डीसी साहब जब भी आए तो उन्होंने गाँव के लोगों को पूछा कि भाई अनाज तुमको मिल रहा है कि नहीं, समय पर आंसर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एसडीओ साहब जब आए वो भी गाँव में गए, घूम घूम के कहे कि नहीं अनाज मिल रहा है, मिल रहा है। उसके बावजूद जब 2022 में चुनाव होता है, चुनाव में एक मेरा जो प्रतिद्वंदी थे भाकपा माले से जुड़े हुए प्रतिद्वंदी वह चुनाव हार जाते हैं और हम हमारा बेटा का किडनी का प्रॉब्लम है उसको लेके हम घरों में रखते हैं, उस समय मेरे खिलाफ वो साजिश रची जाती है कि पूरे कोरोना काल में हमको एक भी राशन नहीं मिला है। लगातार आवेदन दिया जाता है, हमने सभी जितने भी वरिष्ठ डीलरों को हम जानते थे सबको हमने प्रयास किया कि भाई क्या समस्या उनसे बात की थी, लेकिन किसी ने बात किया नहीं किया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिला। आप लोग जानते हैं अक्टूबर 2022 में भाकपा माले के नेतृत्व में धरना दिया गया, उस समय भी हमने सर को कहा कि सर सभी लोगों को ईपोस मशीन से उनका अंगूठा लगा करके राशन दिया गया है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमको पूरे कोरोना काल में राशन नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो 2 साल तक ये व्यक्ति कहां। आज चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम जब आ गया, हम चुनाव हार गए, वो भी चुनाव हार गया, तो ये बात कह रहा है कि हमको पूरा कोरोना काल में राशन नहीं मिला, ये बात गलत, इसका विरोध होना चाहिए। दूसरा क्या है कि गेहूं और चावल की आपूर्ति हमें एक साथ की जाए ताकि डीलरों को असुविधा न हो, समय में जाए हम एक साथ वितरण करते हैं। ऐसे होता क्या है, चावल मेरा 10 दिन के बाद गेहूं मेरा, तो आपकी जैसी सहमति होगी उसको एक प्रस्ताव में लिया जाएगा। उसका खलियाना मजदूरी देने के लिए मुकर रही है।
जो कि 22 रुपये है आज तक भुगतान नहीं हुआ। ये कैसी विडंबना है सरकार की। एक तरफ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज के कार्यशैली से हमें ये अनुभव हो रहा है कि शायद कहती है सरकार कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन बिना का हो बिना। क्या यही नीति है? आज तक हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारे विभाग के बारे में एक बार भी सदन में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। बातें तो बहुत सी मरने है, लेकिन समयाभाव के कारण मैं सारी बातों को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, आखिर सरकार के साथ हमारे डीएसपी ने एग्रीमेंट किया है कि मैं डीलर के दुकान तक माल सुनिश्चित पहुंचाऊंगा और गोदाम पर वजन करके दूंगा, लेकिन आज विपरीत साबित हो रहा है। यहाँ से माल जब जाता है बीच रास्ते में चोरी होना शुरू हो जाता है। आप एसआईओ पर कुछ लिख दे या ना लिखे उससे हमारे अधिकारी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने करते हुए हम आप सब से आग्रह करूंगा कि हमारे नौसूत्री मानों को जब तक सरकार नहीं देती है आगामी 1 अगस्त से हम लोग अपने धरना पर बंदी पर रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम लोग इस मशीन को संचालित नहीं करेंगे। साथियों साथ हो चुका है, थोड़ा सहमत हूँ इसलिए।